हाय लिब्रा, कैसे हैं आप सब। तो ये रीडिंग है हमारी वीकली रीडिंग जो है लिब्रा राशि के लिए। जिन लोगों का भी सन मून नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ जो है वो लिब्रा होगा, ये जो रीडिंग है ये उनके साथ रेजोनेट होगी यहाँ पे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी की लाइफ, आपकी वर्क लाइफ और आपकी हेल्थ यहाँ पर कैसी रहने वाली है। तो एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो आप उतना ही इस मैसेज को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए। पहले हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ यहाँ पे कैसी रहने वाली है लिब्रा। सो लिब्रा लव लाइफ में ये है कि आप एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं। एक पर्सन है जो रिलेशनशिप को छोड़ के जो है चला गया है, और तो हो सकता है कि आप एक दूसरे पर स्पाई कर रहे हैं, एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं, या फिर आप रख रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर है वो यहाँ आपके ऊपर स्पाई रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन है जिसने रिलेशनशिप से जो आगे बढ़ गया है, या तो आप मूव ऑन कर गए हैं या फिर आपका पार्टनर मूव ऑन कर गया है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पर एक पर्सन है जो वापस आएगा, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपका पर्सन यहाँ पर वापस आएगा। यस, वो आर्ग्यूमेंट करने आएंगे, लड़ने आएंगे, झगड़ने आएंगे, ठीक है ना, और वो यहाँ जरूर वापस आएंगे। सो उनकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेड होगी तो थोड़ा से बात होनी भी है, थोड़े से बातों से बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट बहुत रहेगा यहाँ पर। तो आप थोड़ा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मन की शांति आपको कहाँ लगती है दिखिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप सही है तो आप पहले आप स्टैंड जरूर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं आपके वर्क लाइफ को लेके, तो आपके वर्क और जॉब लाइफ में यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत टाइम से आप परेशान थे, निराश थे, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू चीज़ें, न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू आइडियाज़ जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत टाइम से आपके मन में चल रहा था, आप चाहते थे कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, चीज़ें अटकी हुई है, स्टक हो रखी है। सो वो चीज़ें जो स्टक है वो आपकी यहाँ ख़त्म होगी, जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है आपकी, ठीक है ना। बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं आपकी जॉब में, हो सकता है कि आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी हो, ठीक है, या फिर आपने काफ़ी जगह पर इंटरव्यू दिया हो। बट जो मेन आपका यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वही आ रहा है कि आप देखिए आप किस चीज़ को यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं, कि आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, फिर सच में आप जॉब में चाहते हैं, फिर जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या सच में आपकी उसमें प्रायोरिटी है, क्या सच में आप वही करना चाहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न को यहाँ पर क्लियर करने के लिए जो है यहाँ पर आपसे बात हो रही है, इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कीजिए। अपने जो मेन टास्क है, जो मेन वर्क है, आप उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दीजिए, तो आपका वर्क काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस की तरफ से है, जो निराशा थी ना, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये ख़त्म होगी, कन्फ्यूज़न को आपको ख़त्म करने की यहाँ ज़रूरत है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ को लेकर, सो हेल्थ में यहाँ पर आपको थोड़ा बेड रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। बेड रेस्ट आपको शायद में भी मिला होगा यहाँ पे, या फिर आपके कमर में दर्द हो रहा होगा जिस कारण से आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ठीक है ना। कोई मेजर इंसिडेंट से जो आप कोई मैं सब स्केटम यूज़ नहीं करना चाहती, बट स्टिल आप केयरफुल रहिएगा यहाँ पर। जो मेन चीज़ आपको कहना चाहती हूँ, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। काफ़ी स्ट्रेस है आपको, किसने रिसेंटली आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है मेंटली तौर पे, तो मे बी आप मेंटली काफ़ी अनस्टेबल फील कर सकते हैं इस वीक में। तो आप केयरफुल रहिएगा अपने लिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दूसरों को लाइटिंग देते हैं, खुद पे भी अगर दूसरों को गाइडेंस दे रहे हैं कि हाँ ये करो वो करो, तो आप खुद के लिए भी, अपने सेहत के लिए भी उसे जरूर यूज़ करें, खुद के लिए भी करें। जो मेन एक मैसेज आपके लिए आ रहा है यार, कि आप मेडिटेशन करें, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। आपके मन की जो दिमाग की शांति है ना, जो आपको नहीं मिल पा रही है, वो आपको मेडिटेशन से मिलेगी। मेडिटेशन में ही आपके सारे सवालों के जवाब है, तो आप मेडिटेशन यहाँ पर कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर लिब्रा राशि वालों के लिए गाइडेंस की ओरेकल कार्ड से, तो ओरेकल कार्ड से आपके लिए कौन सी गाइडेंस आ रही है, हम वो चेक कर लेते हैं आपके लिए। सो पहली गाइडेंस आ रही है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। अपने पास्ट को ना आपको होल्ड बैक मत करने दीजिए, मतलब रोकने मत दीजिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे उस पास्ट की वजह से। तो उसको मत पकड़ के बैठिए, जो होना था वो हो गया, उस एनर्जी से बाहर निकलिए। तो नेक्स्ट जो आपके मैसेज आ रहा है वो आया, होल्ड योर विजन। आप जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको ना, उस विज़न को जो आपके मन में चल रहा है, उससे रियलिटी में आप लेकर आइए यहाँ पर, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारा वो आ रहा है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर। हो सकता है कि आपको अपने वर्क में, अपने लव लाइफ में, फिर कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, और एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं जरूरी भी होता है, ठीक है ना। तो आप एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आपको कुछ कामों में, तो आप वो यहाँ देख सकते हैं। सो यार, ये थी लिब्रा की रीडिंग। होप कि लिब्रा की रीडिंग आप रेजोनेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।